अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के कुछ ऐसे मुमालिक जिनके लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मुमालिक जिनके लोग बिल्कुल भी खुश नहीं रहते, बल्कि ना खुश रहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया किस नंबर पर मौजूद हैं। याद रहे कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के लोगों से ज़्यादा खुश रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अक्वामे मुत्तहिदा की एजेंसी की जानिब से जारी होने वाली ताज़ा रिपोर्ट में नार्वे को दुनिया का खुशोखुर्रम तरीन मुल्क करार दिया गया है। गुज़श्ता वर्ष डेनमार्क इस फहरिस्त में अव्वल नंबर पर था। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में लोगों की नफसी बहबहूद, वो कितने खुश हैं और आखिर इसकी वजह क्या है, जैसे अवामिल का तजिया किया जाता है। इस वर्ष की फहरिस्त में नार्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और फनलैंड बिलतरतीब दुनिया के 5 सबसे खुशोखुर मुल्क हैं। इसके बरक्स मरकजी अफ्रीका में सब सहारा खित्ते के अफ्रीकी ममालिक दुनिया के सबसे ज़्यादा नाखुश ममालिक हैं। मगरबी यूरोप और शुमाली अमेरिका के ममालिक सबसे आगे हैं, जबकि अमेरिका 14th और बरतानिया 19th नंबर पर है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 80 जबकि इंडिया 122 और अफगानिस्तान 141 नंबर पर है। 155 ममालिक की फहरिस्त में जंग ज़दा मुल्क शाम 152 नंबर पर, जबकि यमन और सूडान जहां कहत जैसी सूरत हाल का सामना है बिलतरतीब 146 और 147 नंबर पर मौजूद है। यहां ये बात वाज़े है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है, जिसका मतलब पाकिस्तान के लोग इंडिया से ज़्यादा खुश रहते हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से आलमी योम खुशी 20 मार्च को मनाया जाता है और इस बार इत्तेफाक से खुश तरीन ममालिक की फहरिस्त इसी दिन जारी की गई है। इसके तहत हर वर्ष दुनिया के 150 ममालिक में 1000 अफराद से नफसियाती नौयत के सवालात किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 10 जीने वाली एक ऐसी सीरी का ख्याल करें जिसकी इब्तदा 0 है और सबसे ऊंचा मकाम 10वां नंबर है। सीरी का सबसे बुलंद मुकाम मुमकिन तौर पर बेहतरीन जिंदगी की नुमाइंदगी करता है, जबकि इसका सबसे निचला हिस्सा सबसे ख़राब जिंदगी का आकाश है। तो ज़ाती तौर पर आप इस वक्त अपने आप को किस मुकाम पर खड़ा पाते हैं? इस सवाल के तहत जो औसत नतीजा बरामद हुआ वो इस मुल्क का स्कोर हुआ। इसके तहत नार्वे को सबसे ऊपर 7.54 है, जबकि अफ्रीकी जमहूरिया का सबसे कम 2.69 है। लेकिन खुशी मापने के इस अमल में मुआशी तरक्की, सोशल स्पोर्ट, इख्तियारात इस्तेमाल करने की आज़ादी, ज़िंदगी की औसतन उम्र, सखावत और करप्शन जैसे कई अवामिल को भी मद्देनज़र रखा जाता है। इस बार एक सवाल ये भी पूछा गया था कि आखिर अमेरिका में मुस्तकिल मुआशी तरक्की के बावजूद भी खुशियों की सतह कम क्यों होती जा रही है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों को कहना है कि अमेरिका में सिर्फ इक्तसादी तरक्की पर तवज्जो देने या इसी पर फोकस करने से खुशियाँ नहीं आती, बल्कि इसके लिए अमेरिका को मुख्तलिफ तरह के समाजी मसाइल जैसे अदम मसावात, बदउनवानी, तन्हाई और बदएतमादी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का बहरान मुआशी नहीं बल्कि समाजी है। इस रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि आपका मुल्क जितना मर्जी तरक्की कर रहा हो, अगर आपका समाज अच्छा नहीं होगा तो आपके लोग कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। अगर बात करें अपने मुल्क पाकिस्तान की तो इसका नंबर है नंबर 80। ये कई मुल्कों से अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा से कम है। हमें सोचने की ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान के लोग किस बात पर नाखुश हैं और इस कमी को पूरा किया जाए ताकि पाकिस्तान भी आइंदा सालों में टॉप 10 फहरिस्त में शामिल हो सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।